देखो सो रही थी। मम्मी को भाई ले जा रहे हैं साइकिल में बैठा के, ना हम भी रम जाएं फिर साथ में चला करें। प्रॉब्लम हो गई थी हमारी यारी, लाइट जो है भाई गिर गई थी। हाँ पता है, जब इतनी दूर होया है तो पनकी का है। हाँ। थी, ये देखो भाई मासी की बालकनी छोटी। ट्विन्स है यार ये दोनों। मुंडन हो गया तुम्हारा मासी? मुंडन हो गया इसका? तुम कराओगे क्या? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण। रात को इसी वजह से हम परेशान थे कि भाई बिल्ली रो रही है, और बिल्ली क्यों रो रही है भाई? इसकी माँ तो भाई जा चुकी है, तो ये देखो भाई यहाँ पे बिल्लियाँ बैठी हुई है। ये देखो सो रही है। ये 2 बच्चे दिए हैं बिल्ली ने भाई, और इसकी जो माँ है एक्सपायर हो गई है, बहुत खल्ला वहाँ बैठी है। अभी मौसम भी अच्छा है और मम्मी का मन है कि अपनी बहन से मिलने जाने का। पैसे की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से हम अपनी मम्मी को भाई ले जा रहे हैं साइकिल में बैठा के। तो साइकिल ये खड़ी है हमारी नई है बिल्कुल। बताओ जब कमरे के अंदर खड़ी थी तब देखो कितनी धूल हो गई, अगर बाहर खड़ी होती तो ये पूरी धूल से ही बेकार हो जाती। तो अभी हम अपना ये पूजनीय कच्छा लेकर के आए हैं। ये कच्छा हम पहनते नहीं है, इस कच्छे जो है साफ़ करते हैं मासी इसको, और आते हैं रंगबाजी में भाई साहब। चलते हैं मम्मी को लेकर के इसी साइकिल में बैठा करके 17 किलोमीटर दूर उनकी बहन से मिलवाने के लिए। तो गाइस मौसम भी रेडी है और हमारी भाई साइकिल भी रेडी है और हमारी माता श्री भी रेडी हैं हमारे पीछे बैठने। मम्मी चला पाएंगे भाई इतनी दूर? अब मम्मी कहेंगे 650 किलोमीटर सारा चला के आ गया, और हमसे कह रहे 17 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे। हमें बैठा के चला पाओगे? हैं और क्या, क्यों नहीं भाई, तुमको बैठा के हम हिमालय में चढ़ा दें साइकिल, ये ज़्यादा हो गया, बट 17 किलोमीटर भाई चला लेंगे मम्मी को बैठा के। और वैसे एकदम से नहीं पहुँच जाएंगे, एकदम से नहीं भाई, हम इतनी दूर गए थे एकदम से गए थे क्या, थोड़ा रुक रुक के जाएंगे। बाकी भाई साइकिल को बिल्कुल पोंछ दिया है, इसके अलॉय व्हील देख सकते हो साफ़ हो गए हैं। बाकी जैसे ही निकल रहे थे भाई एक चीज़ नोटिस करी, हवा कम है पीछे टायर में, भर लेते हैं भाई। तो अभी गाइस एक प्रॉब्लम हो गई थी हमारी यारी, लाइट जो है भाई गिर गई थी रास्ते में, यहाँ पे जो पीछे लगी रहती है ना यहाँ पे, हटा के बैग में रख लेंगे। मम्मी यार लाइट गिर गई थी रास्ते में, बताओ साइकिल चलाना, हम भी रम जाएं फिर साथ में चला करें। साइकिल चला लेते हैं, बस थोड़ा हाथ सेट करना है बस भाई। मम्मी को डर इसी वजह से लग रहा था क्योंकि भाई उसके बाद हमारा एडवेंचर चालू होता, उसके बाद भाई पहाड़ी चालू होती, और पहाड़ी में भाई कोई भी मेडिकल इशू नहीं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं, तो इस वजह से मम्मी काफ़ी डर गई थी और उन्होंने हमको बुला लिया भाई घर आ जाओ अब, तो यही सीन रहा अगले साल जाएंगे। धीरे मम्मी पीछे बैठी और हम भी मम्मी को चलेंगे, हम खुद चलेंगे अगले साल, कह रही मम्मी हम खुद चलेंगे। बाकी यार देखो यहाँ पे बस सपना चल रहा है मामला, तो अभी यहाँ पे रुके थे यार रुआबजा पी रहे हैं, और बाकी ये देखो भाई साइकिल, और यहाँ पे मम्मी भाई पनकी ले जा रहे हैं तुमको। हाँ पता है, जब इतनी दूर हो जाए तो पनकी का है। हाँ तो यही सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, इतनी दूर हुआ है पनकी क्या है भाई, पनकी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है और अपनी मम्मी को अब उनकी बहन से मिलवाने ले जा रहे हैं। मम्मी हमसे कह रही थी 2 साइकिल तो है, एक साइकिल हम ले लेते, एक साइकिल तुम ले लो। हमने कहा नहीं भैया अभी अभी ठीक हुई हो फिर बीमार हो जाओगी। अभी आ गए भाई हम लोग CTI, ये भाई भगवान से ही कह रहे हैं यार, बताओ यार कि मम्मी पीछे बैठी और हम जा रहे हैं पनकी मम्मी को लेकर के। तो मम्मी अच्छा लग रहा है? पता नहीं गाइस हमारे साथ नुकसान ही क्यों होता है भाई, ये देखो यार ये टूट गया भाई, हल्का सा प्रेशर पड़ा और टूट गया। हमने सोचा था यार यहाँ पे पुल है, पुल का थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे GoPro से, लेकिन भाई नहीं बना पाएंगे आप लोग के लिए। तो गाइस कोशिश करी थी यार इस पुल को चढ़ने की बट नहीं हो पाया। अभी हम मम्मी भाई पैदल पैदल जा रहे हैं, और भाई हमारी तो हालत ख़राब हुई, लेकिन कोई नहीं यार, हर हर महादेव भाई, महादेव सबकी पार लगाएंगे, हमारी भी किसी ने लगाएंगे। ये देखो भाई अब ढाल आ रहा है, बस बैठ ले। अब ढाल आ रहा है भाई, ढाल पे बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद
अप्रॉक्स 300 मीटर तक पैडल नहीं मारना पड़ेगा हमें। ये वाली साइकिल मम्मी कहनी बढ़िया रहती है। ये वाली साइकिल तुमको दिला देगा? हाँ। ये वाली साइकिल चलो है। मम्मी कहने लगी घर पे ही तुम वाली साइकिल ले लो, हम ये वाली साइकिल ले लें। हमने कहा अच्छा। और फिर उसके हमने कहा मम्मी चला के दिखाओ। भाई ऐसा डिसबैलेंस कर रही घर के अंदर, अगर पीछे ना खड़ो तो गिर जाती, अच्छा खासा लग जाती। तो अभी आ गए भाई विजयनगर का। इधर भी देखो, इधर भी देखो, यहाँ पे भाई मम्मी खीरा ले रही है मेरे लिए। थोड़ा नमक डाल दो नमक। तो आपका भाई आ गया गन फैक्ट्री। गन फैक्ट्री में रिस्ट्रिक्शन रहती वीडियो बनाने की, बट यार देखो अपनी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे साइकिल खड़ी है और इसका कैप भी गिर गया आज यार, बड़ा नुकसान हो गया। ये गिर गया, ये गिर गया और पीछे वाली लाइट जो है भाई। और अभी धीरे धीरे पहुँची, कहाँ पहुँच गए। तो गाइस ये देखो अपनी साइकिल खड़ी है, ये देखो भाई पावर हाउस नारायणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। इसके पास आ गए तो देखो कितना सा लग रहा है यार, ये देखो कितना ऊंचा है। और अपनी साइकिल यहाँ पे और बिल्कुल जरा से लग रहा है हम, देख रहे हो भाई। गाइस पहले ये रोड इतनी बेकार हुआ करती थी कि ये जंगल कहलाता था, लेकिन फाइनली भाई बन गई है। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें नोटिस किया होगा इस रोड को, बाकी अभी नोटिस कर सकते हो आप। हटो, अरे भैया घुसने तो नंदी बाबा, कहाँ गए 17 किलोमीटर दूर से आए हैं। ना रास्ता भूल गई भाई मैं। अब देखो फ्रेम में भाई दोनों पीला पीला, दोनों पीला पीला भाई, ये नोटिस किया आप लोगों ने भाई? बहन बहन दोनों पीला पीला। ये सही था यार तुमने तुरंत यार यहाँ पे रखा छेना भाई। मौसी है बदल के ले आए? नहीं नहीं हमारे लिए भाई छेना मंगाया है, उनको क्या पता यार बदल लाई। चलो सही था यार। देखो मम्मी को लेकर के भाई मौसी कहाँ लेकर के आए हैं, और हमारे लड्डू यहाँ से, यहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी हैं तो दिखाते हैं भाई। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी मस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं बेड में, और इनका कभी कभी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि मज़े आ जाते हैं। तो 17 किलोमीटर की राइड मम्मी को पीछे बैठा के, हाँ 17 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमने मम्मी को बैठा दिया था ई रिक्शे में, तो मम्मी यहाँ पर आ गई थी। थोड़ी बात तो ये मम्मी भूल भी गई थी रास्ता। बनाए नहीं मस्त खाना पीना चल रहा है अभी। कटहल की सब्जी है, आलू है कलारा हुआ, चावल है, सलाद है, रायता है, दाल है, और क्या बताएं गाइस बहुत कुछ है। और यहाँ पे हम मम्मी है, ये देखो भाई मस्त खाना चल रहा है। खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और निकल जाएंगे अपने घर, क्योंकि भाई कहीं भी जाओ अपना घर याद आता है। गाइस 5:05 हो रहा है और यहाँ पे देखो भाई, ये देखो फेंटा चल रही है। हम खुश हैं, दिमाग से अभी टेंशन दिमाग की निकल गई है। टेंशन का है कि तबीयत सही नहीं थी तुम्हारी, तबीयत नहीं थी तुम्हारी, टेंशन थी अब निकली है। हाँ अब थोड़ी तबीयत नहीं। 650 किलोमीटर मम्मी से यही कह रहे, मम्मी तुमको यही करना था तो भाई हमको 400 किलोमीटर और चले जाने देती, लेकिन बताओ मम्मी कह रही ठीक है चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। बाकी देखो मरिंडा पी लाई जा रही है, हमारे लड्डू गोपाल जी मस्त मरिंडा पी रहे हैं। ये देखो कप में पीते हैं भाई साहब। मासी वहाँ से नमकीन निकाल रही है मस्त, क्योंकि शाम का समय हो गया है, चाय नहीं हम लोग मरिंडा पी रहे हैं। ये देखो सही है भाई। किसी का भी लड़का जाएगा तो टेंशन तो भाई। नीचे बड़ा बोर हो रखे थे मासी कमरे में बैठे बैठे, अब आए हैं मासी की बालकनी में छोटी सी। ये देखो भाई मासी की बालकनी छोटी सी बालकनी है, सामने देखो पेट्रोल पंप खुला हुआ है, सामने का व्यू देखो भाई कुछ इस तरीके का है, और मक्खन जैसी रोड बन गई है भाई। अभी आ गए हैं छत पे मासी। मासी की छत यार बड़ी छोटी है बट मस्त है यार, छोटी छत छोटा परिवार सुखी परिवार। कम से कम भाई छोटे परिवार में भाई लड़ाई तो नहीं होती है। ये देखो भाई क्या मस्त छत हो रखी है मस्त, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चों आपका? मेरा नाम है राज, इसका नाम है रौनक। राज करते हो? कहाँ राज कर रहे हो?
नाक तो पोछ लेते कम से कम। अबे भाई ट्विंस हैं यार ये दोनों, मौसी ट्विंस हैं हैं। ओ भाई अभी नोटिस किया। इस तुम्हारा नाम क्या है? रौनक। रौनक और इसका राज, दोनों की नाक बह रही है यार। और इसका छोटी का क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्रीतम सही है यार। प्रीतम भैया बहुत छोटे हो, इधर तो देखो भाई, उठाई ही रहा, सिर ही नहीं उठा रहा है तो। मम्मी क्या कहना चाहोगी, प्रीतम सिर क्यों नहीं उठा रहा? प्रीतम ने सिर उठा लिया। हाँ उठा लिया। और प्रीतम भाई कैसे हो, क्या खा रहे हो? गंदा हो जाए, हट भट ऐसे ना खाया करो भैया। मुंडन हो गया तुम्हारा? मासी मुंडन हो गया इसका? तुम कराओगे क्या? नहीं हुआ होगा तो कराओगे? बेचारे का मुंडन नहीं हुआ गाइस। हो गया मुंडन। मुंडन हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या कहना चाहोगे भाई, ये बोल क्यों नहीं रहा? प्रीतम क्यों नहीं बोल? बोलता है हमारे पास, बोलता है पापा और मम्मी बोल पाता है। पापा मम्मी कौन इसको मार देते हैं? पापा पापा कहता है। अच्छा ये सही है। तो कुछ इस तरीके का इंटरव्यू था छोटे बच्चों का। और अभी टाइम जो हो रहा है वो 6 बजने वाला है। 7:30 बजे तक हमने सोचा है कि हम मम्मी को लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। दो दो पेट्रोल पंप है, एक मौसी घर के सामने था और एक यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस अभी निकल गए हैं, 6:00 बज रहे हैं। हमने ऐसा कहा था भाई निकल जाएंगे, तो निकल गए मम्मी को लेकर के भाई। बस अभी पहुँचते हैं घर। ओके गाइस, अभी मम्मी हमारी भाई साइकिल कचोड़ रही हैं, क्योंकि भाई उनका लड़का बहुत थक गया है। तो अभी हमने मम्मी से कहा, मम्मी तुम चला तो पाओगी नहीं, कम से कम भाई साइकिल ही सीट लो, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तभी जो है मम्मी से कहा, नहीं तुम कहते ना। तो मेरे प्यारे दर्शकों भाई, फिलहाल अभी आ गए हैं नहा धो करके अपने मंदिर में छोटे से। तुम खांसी हो मम्मी? खांस रही है यार, मम्मी की थोड़ी खांसी आती रहती है बीच बीच में। तो फिलहाल भाई आ गए हैं मंदिर में भगवान जी को पूजने के लिए, महादेव को। भाई जानते हो भाई एक ही है, द वन मैन आर्मी, पूरी दुनिया ख़त्म करने वाले। तो भाई ये हैं हमारे महादेव बाबा और ये है हमारा जल जो महादेव को हम अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी बाबा को अर्पित करेंगे। नंदी बाबा भी थोड़ा सा बचा, थोड़ी सी टेंशन हुई थी बस ट्रैफिक में, बाकी हमारी साइकिल भाई बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। इसके अलॉय व्हील कल सुबह पोंछ देंगे। बाकी भाई आ गए हैं अपने घर और भाई हर हर महादेव। इसके साथ ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस आपसे कल नए ब्लॉग के साथ।